यूक्रेन और रूस के बीच हो रही तनातनी में फंसे भारतीय युवाओं को लेकर उनके परिजन बेहद चिंता में हैं। श्रीनगर से भी 2 MBBS के छात्र यूक्रेन के चेनाविदिस शहर में फंसे हुए हैं, जहां MBBS के छात्र खुद वहां डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो श्रीनगर में इनके परिजन लगातार भारत सरकार से सभी को सही सलामत भारत लौटाने की गुहार लगा रहे हैं। हेलो, आई एम आकांक्षा, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और हम अभी यूक्रेन में ही हैं। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ गोविंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चेर्निविट्सी इन यूक्रेन, एंड हमारे वैकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एंड अभी हमें बस से रोमानिया बॉर्डर पे ले जाया जा रहा है, बिकॉज रोमानिया बॉर्डर अभी हमारा नियरेस्ट बॉर्डर है। तो हमारे अभी लिस्ट वाइज बच्चों का वैकेशन हो रहा है। लकीली आई वॉज इन द फर्स्ट लिस्ट, एंड फर्स्ट लिस्ट में 240 स्टूडेंट्स का नाम था। उनके लिए हमारी यूनिवर्सिटी से अभी ये है कि हमारी एम्बेसी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी है, सब ने मिल के हमारे लिए अरेंजमेंट्स करवा दिए हैं। और 4 बसेस में हम 240 स्टूडेंट्स को अभी रोमानिया बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है, एंड वहाँ पहुँचाने के बाद हमें शायद जल्दी एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। सो मैं भी फिलहाल बस में हूँ। नाम विकास कश्यप है। मेरी छोटी बहन जिसका नाम आकांक्षा कुमारी है, वो यूक्रेन में चेर्निविट्सी शहर में फंसी हुई है, जहाँ पर युद्ध के माहौल बने हुए हैं उसके शहर में भी, और बाकी पड़ोसी देश रशिया से उस पर हमले तो हो ही रहे हैं, उसके बगल के शहरों में बमबारियाँ हो चुकी हैं और काफ़ी दहशत का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। कई दोस्त उसके जो बॉर्डर के ज़्यादा करीबी एरिया में हैं वो बंकर्स में घुसे हुए हैं, हॉस्टल के बेसमेंट्स में छुपे हुए हैं। काफ़ी दहशत का वहाँ पर माहौल है। आर्मी मिलिट्री की जो लोडेड गाड़ियाँ होती हैं वो सड़कों पर आम गाड़ियों जैसी घूम रही हैं, आम गाड़ियों का चलन बिल्कुल बंद है। मेरे को तो प्रशासन से लगभग अभी तक, मतलब जैसे TG से भी कई फ़ोन आ गए, देहरादून से भी फ़ोन आए थे प्रशासन की तरफ से, और पौड़ी से भी फ़ोन आया था सुबह। उन्होंने मेरी बेटी का जो भी ट्रेस था, एड्रेस वगैरह, उन्होंने सारे मेरे से पूछे थे। अब हमने जो मेरे बेटे ने भी सारे एड्रेस उनका जो भी हमने बताया था, और हम जो है भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं, उत्तराखंड सरकार से, कि मेरी बेटी को सुरक्षित जो है स्वदेश ले आए। और मेरे, क्योंकि मैं कल से बहुत परेशान हूँ, हमने अभी तक ढंग से भोजन भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी बेटी कैसे है, क्या है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भारत सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि मेरी बेटी को ऐसे ही करके स्वदेश लौटा के ले आए, ला दे।